वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने को लेकर हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ से खास बातचीत की। इसके साथ ही दिल्ली भाजपा द्वारा दिल्ली में बिजली के बिलों के दामों को लेकर प्रदर्शन भी हमारे संवाददाता ने प्रियंका कक्कड़ से सवाल किए। आइए सुनते हैं कि इन दोनों मुद्दों पर प्रियंका कक्कड़ ने क्या कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली, इस पर मैं ज्यादा बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी मौजूद है। मैम, किस तरह से देखती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत ईडी की तरफ से मिली है? देखिए, ये पूरा का पूरा केस ही भाजपा के दफ्तर में लिखा गया था। आप अगर पीएमएलए कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को निर्दोष पाया है, कोई चवन्नी का सबूत नहीं है उनके खिलाफ। और ये तक लिखा है कि ईडी बायस के साथ एक्ट कर रही थी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और पीएमएलए के केस में रेगुलर बेल जो पीएमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को दी, सारा उनको निर्दोष साबित किया, वो किसी अक्विटल से कम नहीं होती क्योंकि ये एक स्पेशल कानून है। 17 जुलाई को जिस केस पे सीबीआई ने अरेस्ट करा है उस पे पेशी है। देखिए, ये तो इनकी मंशा रही है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के काम हमारे ईमानदार नेताओं को जेल में डालो, मुझे पूरी उम्मीद है उसकी भी हमें न्याय मिले। भारतीय जनता पार्टी में लगातार आरोप लगा रही है कि जेल से छूटे हैं, दोबारा जेल जाएंगे, इसको किस तरह देखेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का काम ही नकारात्मक राजनीति करना है। उन्होंने हमेशा सिर्फ दिल्ली वालों के काम रोके हैं, लोगों को बदनाम किया है, फर्जी आरोपों में लोगों को जेल डाला है। उनका तभी ये रिजल्ट इस बार उनका 400 से 240 पर पहुँचा है। अभी भी मौका है, उनको सुधर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, एमकेएन न्यूज़ के लिए दिल्ली से। शुभ सिंह।